सरयू नहर प्रणाली फेज 3 बांसगांव रजवाहा के लिए जिला परियोजना की बैठक जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कृषि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित बांसगांव क्षेत्र के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने कहा कि सरयू नहर परियोजना से क्षेत्र के किसानों के खेतों में आसानी से पानी पहुँचेगा और उनके उपज में वृद्धि होगी। डीएम ने कहा कि इसके लिए किसानों को आगे आना होगा। डीएम ने कहा कि इससे आसपास के किसानों को लाभ मिलेगा और आय दोगुना हो सकती है। तो स्वागत है इस कार्यक्रम पे और इतने विभागीय कर्मचारी ऑफिस लोग सबको स्वागत है। तकरीबन 11 करोड़ का परियोजना है। तकरीबन 500 हेक्टेयर जमीन लोग सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करा देंगे, बाकी कच्चा को देंगे उन लोग और बाकी ग्राम पंचायत का सहयोग उन लोगों को चाहिए ताकि जो मैक्सिमम काम ग्राम पंचायत के जरिए से होना है और जो पक्का काम का निर्माण है सब ग्राम पंचायत से ही होना है, उसका समिति ग्राम पंचायत लेवल में बनी हुई है। प्रधान साहिबान आपसे मेरा अनुरोध है कि समय से आप लोग का क्षेत्र में अच्छा से कर लें ताकि हम कोशिश कर रहे हैं एक साल के अंदर ये परियोजना समाप्त करते हुए अगले साल सारे क्षेत्र पे सिंचाई का अच्छा से ये जो उपलब्धि अवेलेबल रहेगा आपका। तो इससे आप लोग और काम भी कर सकते हैं प्रधान साहिबान, अभी तो मनरेगा की योजना में डाउटिंग कराते हुए अभी योजना आ गया है जो व्यक्तिगत किसान का परियोजना भी जमीन भी ले सकते हैं। जो कोई किसान अपने क्षेत्र का जो मेड़बंदी चाहता है, कोई कच्चा नाला नाली चाहता है और जो कैटल शेड बनाना चाहता है वो सारे आप नरेगा के अंदर ले सकते हैं ताकि मनरेगा का योजना पहले से संपूर्ण हो गया। अभी तक गाँव में जो सार्वजनिक कितने काम है सारे लगभग खत्म हो चुका है, कितने गरंजा नाली तालाब जो सारे चीज़ तो हो चुका है। अभी तो नरेगा से नया योजना के हिसाब से जो आबाद तैयार है उन्हीं के परिवार को एक तरफ एक यूनिट मानते हुए उन्हीं के संपत्ति को हम लोग करा सकते हैं, उस पर काम करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो और लोग इसका संतुलीकरण का कोई किसान तैयार है, गरीब किसान है, उनका समतल कराने के लिए पैसा नहीं है तो आप लेबर का कंपोनेंट में उनको लेते हुए और बाकी उनका जमीन का आप यूनिट मानते हुए उसको कर सकते हैं। इसको और विवरण के लिए वीडियो साहब से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया योजना है, आपके क्षेत्र कितने पहले असिंचित है वो सारे सिंचाई हो जाएगा उस पर। अब जो लोकल लेवल पे जो समस्या है छोटा मोटा जो किसान का समस्या होता था कि इसके लिए जमीन अधिग्रहण के कोई प्रोसेस है नहीं और इसका जो मेड़ होता है मेड़ के बीच में नाली गुजरते हुए लेके जाना छोटा छोटा मामला होता है, किसी के तो आधा इंच 1 इंच 2 इंच देना होता है जमीन, उसी का कोई ना हो जाए आप लोग एक अच्छा से पुली बैठक करा लो आपके ग्राम पंचायत में, ये योजना का फायदा समझा देना किस किसका जो क्या फायदा है इस पर, तो हमेशा के लिए आपको जो है सिंचाई का साधन बना रहेगा उसको ताकि ये समय से पूरा करने के लिए बिना आपको सहयोग का हम कर नहीं पाएंगे। इस साल आपको कुछ सिंचाई का मिला हो गया?